हम ये जान तो चुके हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भोजन का असर, खान पान का असर, हमारे विचारों का असर हमारी सेहत पर पड़ता है, ये हम जान चुके हैं। अब इसको ठीक करने की अलग अलग विधियां होती हैं, इसको मैनेज करना हो तो साइंस से लेकर के आयुर्वेद और योग तक सब एक लाइन में आ जाते हैं। साइंस के पास आधुनिक मेडिसिनल क्षेत्र में आपके मस्तिष्क के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ना ही उनके पास कोई सोल्यूशन है, सिवाय इसके कि स्टेरॉयड दे दी या नशे वाली कोई गोलियां दे दी फिर आप सो जाएं। लेकिन आयुर्वेद और योग के पास प्रूवन मेडिसिनली, मेडिकली, साइंटिफिकली सब प्रूव्ड है कि यहाँ जो अलग अलग मुद्राएँ या अलग अलग उच्चारण हैं शब्दों का या अलग अलग विधाएं हैं वो मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ करने में सहयोग करती हैं। विचारों को और हमारे दिमाग को और शरीर को एक सीध में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में आ जाती है भ्रामरी प्राणायाम, यानी भ्रमण के भ्रमर की तरह गूंजन। अब इसमें क्या करना होता है कि हमने हाथ लिए, अपने हाथ से आंखें बंद करी और जो अंगूठे हैं अंगूठे कान तक पहुंच जाते हैं, तो कान को बंद कर लिया, यानी कान की खिड़की बंद कर लेनी है, बाहर की आवाज़ बड़ी ज़ोर से नहीं दबाना लेकिन ऐसा हो जाए कि बाहर की आवाज़ नहीं आए, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। हमारी तीन उंगलियों से आंखें बंद कर ली हैं, ऊपर रख रही हैं, बड़ी ज़ोर से नहीं दबानी, ऊपर से बंद करी और जो एक उंगली है वो माथे पे रख ली, ना भी रखो तब भी सीधा, मतलब ये है कि आंखें बंद हो जाएं और हमारे कान बंद हो जाएं। चलो ये हो गया, अब मुंह भी बंद रखना है। मुंह बंद करके फिर करना क्या है, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना वैसे ही मुंह बंद करके ओम बोला। देखिए होता क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं, इस उच्च ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करते हैं, नाक और सॉरी आंखें और कान भी बंद करके बैठे हुए हैं और हम गुंजायमान कर रहे हैं ओम को, तो इससे बड़ा सीधा सा असर पता किसके ऊपर चला जाता है, आप हैरान हो जाएंगे। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और हमारा हाइपोथैलेमस, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से हैं मस्तिष्क के, और सिर्फ इतना करने से ये तीनों चीज़ें एकदम से कंपायमान हो जाती हैं, एकदम से असर दिखाती है। क्या? भ्रामरी प्राणायाम। अब इनको करना क्या है, इसको रूटीन से अगर करेंगे, मस्तिष्क को तो हेल्प करेगा ही, लेकिन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हमें क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप कर सकें, गिन के करना है तो 11 21 31 51 108 बार, जितनी बार आप कर पाएँ ये कर लिया। और फिर आंखें खोलनी नहीं है, हाथ नीचे लेकर के आने हैं, जैसे ध्यान मुद्रा में आते हैं ना हम लोग, ध्यान मुद्रा में क्या करना होता है, अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली उंगली को एक दूसरे के साथ टच करके बैठना होता है, जैसे भोलेनाथ की कई बार आपने तस्वीर देखी होगी, योग मुद्रा में बैठे होते हैं, आंखें बंद होती हैं बिल्कुल, और पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगाए हुए, वैसे वैसे बैठ गए। अब उसके बाद फिर ओम का उच्चारण करना है। अब ये तो विज्ञान भी कह चुका है कि ओम का उच्चारण जो है ये हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को एक लाइन में ले आता है, एक सीध में ले आता है। और ये जब काम आपने करना है, ओम का उच्चारण जब करना है, देखिए जब हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, ओम को गुंजायमान कर रहे हैं, तब भी सांस गहरी लेनी है, और जब हम ओम का उच्चारण करें तब भी सांस गहरी ही लेनी है। अब बोलना कैसे ओम, देखो एक तो बोलते थे ओम ओम ओम, ऐसे नहीं करना, अब देखो जिन बच्चों के पेपर हैं, एग्ज़ाम का पीरियड है तो एग्ज़ाम्स भी हैं, अगर वो ये भ्रामरी और ओम का उच्चारण करते हैं तो वो बड़ा अच्छा असर देख पाएंगे कि उनको बड़ी जल्दी याद हो जाता है,
और अगर याद हो चुका है तो वह भूलेगा नहीं। और अगर आप लोगों के बच्चों को अगर ये दिक्कत हो कि एकाग्रता नहीं बनती है तो वो सारी बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये घर में बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन इसका असर आपके मस्तिष्क पे ही नहीं होगा, इसका असर आपके शरीर के ऊपर भी होगा। और जब इसका असर होता है तो आपकी पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो ना कहीं अगर कोई डरपोक लोग हों, कई बार डरपोक लोग होते हैं तो बच्चों को बोल बोल करके डरपोक ही बना देते हैं, तो उसका असर पेट के ऊपर हो जाता है। तो वो जो डरपोकपना है, डर है, वो भय है, भय की स्थिति भी इन दो चीज़ों से, भ्रामरी प्राणायाम करने से और ओम का उच्चारण करने से एकदम से भय से बाहर निकलता है बंदा। और जब वो भय से मुक्ति मिलती है तो पेट भी ठीक हो जाता है। तो जो साधारण खाते हैं वो सारा आसानी से पचेगा, यानी कि उससे एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। जब एनर्जी उत्पन्न होगी तो अपने आप जो एनर्जी है उसका उपयोग जिसको जो भी काम करना हो वो उसमें उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए ये इसको आप रूटीन में करिए और इसका अनुभव करके तब आप फायदा लीजिए। है तो हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई कितनी साधारण लगती है क्रिया, लेकिन इसका असर देखिए हमारे पेट के ऊपर भी है। यानी कि अगर हमारा पेट ठीक हो जाएगा तो मस्तिष्क भी ठीक हो जाता है, शरीर भी ठीक हो जाता है। तो ये जो ओम का उच्चारण है इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपना अनुभव जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर